तो आज मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम हॉल्स के बारे में। एक तो एग्जाम हॉल कोई होता नहीं, एग्जाम होती है मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस रूम जितनी जगह पे एग्जाम लेने से मतलब तो ये तो नहीं बनता ना एग्जाम हॉल कहा जाए। एग्जाम हॉल तो होता नहीं, ये सिर्फ एग्जाम में होती है। फिर अगला पॉइंट आता है, फिर जैसे ही एग्जाम की ऐसी बातें आती है तो पहला पॉइंट आता है ग्रुप स्टडी के बारे में। सो आई बिंग एन इंटेलिजेंट किड, मैं ग्रुप स्टडी में विश्वास नहीं रखता, सीधी सी बात है। एक तो दोस्त वहाँ पे ग्रुप स्टडी से जाता तो खाना ही खाया जाता है। तो जब हम बातें करते हैं ना एग्जाम हॉल नहीं जब हम बातें करते हैं ना ग्रुप स्टडी के बारे में, तो मेरे दोस्त कुछ इस तरह कहते हैं, भाई पांडू को लेके चले। नहीं भाई यार, उन्हें पढ़ाई तो करता नहीं है, बस रुकता बातें करते रहता है। लेकिन ब्रो वो पैसे लाएंगे ना ब्रो। अरे फिर पैसे का क्या करेंगे, हलवा डालेंगे क्या ब्रो? उसके पापा का होटल है ब्रो, वो पैसे लाएंगे और खाने को भी मिलेगा ब्रो हमें, साथ में ले चलते उसे। ठीक है यार, ले चलते उसके ही घर पे तो जाना है। फिर और पूरे टाइम बस खाना खजाना ही होता रहता है, बाकी कुछ स्टडी तो होती नहीं। उसके बाद आता है एग्ज़ाम का दिन, और एग्ज़ाम के दिन जो लास्ट मिनट की स्टडी होती है वो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ जो इन एक महीने में आप पढ़ नहीं पाए वो आखिरी मिनट में पढ़ के क्या उखाड़ लूँगे। और आप बोलोंगे कि लास्ट मिनट स्टडी इज़ एवरीथिंग, लेकिन मुझे पता है ना मेरे दोस्त कैसे है। कैसे है तेरे दोस्त? एकदम बेवकूफ दोस्त है, उनको तो कुछ आता नहीं है, मुझे पता नहीं चलेंगे। अगला पॉइंट आता है एग्जाम के यहाँ पे आने वाले बच्चों के बारे में। बच्चों में तो आधे लोग आपले दुश्मनी होते हैं, और वही दुश्मन एग्जाम के दिन हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ब्रो तू एकदम समझदार इंसान है ना ब्रो? वैसे यार मैं तारीफ तो लेता लेकिन यार ले लूँगा, तो एग्ज़ाम ज़रा चीटिंग में मदद करेगा, ज़रा आंसर्स बता देगा। वैसे उससे याद आया, तू वही लड़का है ना जिसने एग्जाम प्रिंसिपल से मेरी शिकायत की थी? पुरानी बातों पे मिट्टी डालो ब्रो, मिट्टी डालो ब्रो, रात गई बात गई ब्रो, मिट्टी डालो। फिर चलो मैंने उसके बातों पे मिट्टी भी डाल दी, सैंड डाल ली, अंग्रेजी वाले लोगों के लिए सैंड। फिर एग्ज़ाम के यहाँ पे कुछ इस एग्ज़ाम में तो कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। एग्ज़ाम शुरू होने कुल 5 मिनट बाद देखो क्या हुआ था ब्रो, आंसर्स बताना ब्रो। अरे भाई जितना आता है उतना तो लिख लेना पहले। हाँ नाम बेम वो लिख लिया है, लेकिन आंसर्स बताना ब्रो। नहीं मुझे समझ नहीं आता, पढ़ाई तो इन लोगों करने नहीं होते, दिन भर बैठे होते हाँ, और बाद में ऐसे चीटिंग के उसका आंसर मांगते। आप ही आप कर क्या रहे हो ब्रो? नहीं क्यों हो क्यों आप स्कूल में? आप जाओ ज़रा खेलो कूदो मजे करो, यहाँ पे मत आओ हाँ, पढ़ाई मत करो ज़्यादा। क्यों पढ़ाई तो कर नहीं सकते, दिन भर ऐसे बोलते रहते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, टीचर्स। जैसे ही टीचर क्लास के अंदर एंटर करता है सारे बच्चे अरे यार 5 मिनट से आओदा। फिर उसके बाद टीचर आता है और बोलता है चलो सब लोग अपनी बुक बंद करो, और कुछ बच्चे होते तो कुछ ऐसा करते हाँ मिल गया वो बोर्ड। नहीं ये लोग मैं सामने के लोग ऐसा करते हुए दिखते हैं मुझे, नहीं ऐसे बुक बंद करते करते भी आपने मुंडी हिलाएंगे। अब क्या पता इन लोगों के नसीब में वही आता हो जो लास्ट वर्ड लिखा हो वो बुक के अंदर पढ़ते हुए, क्या पता आ सकते हैं उनका नसीब होता होगा, मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं करके। उसके बाद जैसे ही टीचर ऐसे पेपर्स निकालता है वैसे ही सामने का जो बैठा हुआ बच्चा होता है वो कुछ ऐसा कर सर पेपर दिखा दो, और सर भी उस बच्चे को ऐसा देखेगा अरे क्या ऐसा क्या घूर घूर के देख रहा है ये, और उसको ये पेपर सबसे पहले आए और वो बच्चा भी ऐसा उछलता हो जैसे कि उसे जो जो पहले आए पेपर में जो पहली
क्वेश्चन लिखा है वो ऐसा वो कूद के देख लेगा और जो पहला क्वेश्चन रहेगा वही उन्हें अपने डायरेक्ट पैर में हाथ डाल लेगा, वहां से एक चीट निकालेगा और उस पर वही क्वेश्चन का आंसर होगा जो उस पे लिखा है, अरे और उस पर वही चीज का आंसर होगा जो वहां पे लिखा हुआ है। और उसके बाद भी टीचर ऐसे बोलेगा, टीचर बोलेंगे या बोलेगा कि लो बेटा लो, पूरे 5 मिनट पहले दे रहा हूँ, लूंगा भी 5 मिनट पहले। और मेरे रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है, सर ऐसा कैसे चलेगा, सर ऐसा नहीं चलेगा सर, वो भी आपको पेपर तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरे सामने गिर गिराओगे नहीं, पूरा 15 मिनट ज़्यादा लूंगा, 15 मिनट ज़्यादा, जब तक आप रोओगे नहीं ना मेरे सामने तब तक पेपर देने की बात ही नहीं आती, पेपर ही नहीं दूंगा मैं। तो हाँ एग्जाम इस प्रकार हमारे जाते हैं, इसका पार्ट 2 भी बनाना है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर पार्ट 2 चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो भी मैं बनाऊंगा क्योंकि एक ऑफ टॉपिक है, फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और व्यूज कमाऊंगा क्योंकि नाउ पीपल, पैसे भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, देखो मेरे बाकी के भी वीडियोज़।